नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, बॉस्को की सक्सेस स्टोरी है ये। चलिए देखते हैं कि बॉस्को की क्या सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने लिखा है, हाय मैम, मेरी सक्सेस स्टोरी का नाम रखिएगा बॉस्को की सक्सेस स्टोरी। मेरी सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी पेनफुल है, लेकिन बहुत ज्यादा सीख देने वाली है। मेरा डॉग है जिसका नाम बॉस्को है। मैं उसको है अभी भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको देख करके अब इतना तो पता चल ही चुका है कि सबकी सब एनर्जीज होती हैं, एनर्जी मिटती रही हैं, ख़त्म नहीं होती। मेरा बॉस्को मर गया है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है, इसलिए मैं उसको था बोल ही नहीं पाती। वो अभी भी मेरे साथ में है। वो बहुत ही प्यारा डॉग रहा। हाँ, वो बहुत बूढ़ा हो गया था। मेरा डॉग 12.5 साल का था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो चल फिर भी नहीं पा रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था। सारा दिन सिर्फ ऐसे ही भूखा प्यासा लेटा रहता था। डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने यही कहा कि अब ये ज़्यादा जी नहीं सकेगा, इसको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ये बहुत बूढ़ा हो गया है, इस वजह से ये अब ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता है। बॉडी में अब इसके उतनी ज़्यादा जान नहीं है। वो धीरे धीरे स्वस्थ होने की कोशिश करता था। हम उसको कुछ खिलाते थे, पिलाते थे, बहुत ट्राई करता था, लेकिन उससे हो नहीं पाता था। उसके शरीर में उतनी जान ही नहीं थी। ये सारी चीज़ें करीब करीब 1 महीने के अंदर ही हो गई, इसलिए हमें लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन उसकी तबीयत खराब नहीं थी। इस बीच में एक चमत्कार हुआ। आपका वाटर एफर्मेशन वाला मैंने वीडियो देखा था। मैंने बॉस्को के पानी को खाने को एफर्म करके उसको देना शुरू किया। मैं उसका पानी हमेशा एफर्म कर देती थी और बोलती थी कि बॉस्को हेल्दी है। मुझे पता था ये ज़्यादा जी नहीं पाएगा, लेकिन बस मेरे मन में एक ही बात चलती थी कि ये आराम से अपने शरीर को त्यागे, अपनी सांसें जो भी ये ले रहा है आराम से ले, और जब तक जी रहा है तब तक स्वस्थ रहे। सिर्फ यही सोचती थी और मैं उसको पानी अफर्म करके देती थी। जब भी मैं अफर्म करती थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं रो रही होती थी। मेरी मम्मी भी अफर्म करती थी। मेरी मम्मी आपको मुझसे भी पहले से फॉलो करती हैं, और उन्होंने कहा मुझे कि रो करके पानी एफर्म मत करो, अच्छे से एफर्म करो, ये जब तक जिए बस ये स्वस्थ रहे और आराम से ये अपनी सांसें छोड़ दे। यही सोच करके हम एफर्म करते थे, और मैं खाना भी उसका जब एफर्म करती थी तो रोना बंद कर चुकी थी क्योंकि मम्मी बार बार टोक देती थी। इसके बाद आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ। जो बॉस्को चल नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे चलने लग गया। उसकी बॉडी में जान नहीं थी, वो कुछ खाता नहीं था, लेकिन जो भी खाना मैं अफर्म करती थी वो उसे खा लेता था। मम्मी जो खाना अफर्म करके देती थी वो उसको खा लेता था। मेरे फादर और भाई को इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, इसलिए उन लोगों ने कभी नहीं किया, पर मैंने और मम्मी ने ही इस चीज़ को अपने सर पर ले लिया था कि अब बॉस्को को खाना और पानी हम ही दोनों देंगे। और जब जब हम उसे खाना और पानी देते थे वो खा लेता था, पी लेता था, लेकिन उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। जो पहले वो रोता रहता था, उसको शायद एहसास हो जाता है, डॉग्स को वो एहसास होता था तो वो रोता था, लेकिन मैंने ये नोटिस किया और मम्मा ने भी ये नोटिस किया कि एफर्मेशन के बाद में वो रोता नहीं है, वो आराम से खाना खाता है और वहीं के वहीं सो जाता है। थोड़ी देर के लिए एक्टिव होने की कोशिश भी करता है, लेकिन अब उसकी रोने जैसी आवाज़ें नहीं आती, क्योंकि वो जब रोता था तो हम लोगों को बहुत दुख होता था, और तब कहीं ना कहीं मन से ये भी निकलता था ये अभी चला जाए, क्योंकि उसका दर्द देखा नहीं जाता था। इसके बाद तक एफर्मेशन वाला जो खाना और पानी था, जहाँ डॉक्टर ने बोला था कि ये ज़्यादा नहीं सरवाइव कर पाएगा, हमें लग रहा था सिर्फ 2-4 दिन, और उसने हमसे 1.5 महीने की सेवा ली और एफर्मेशंस दे करके खाना और पानी खाया और पिया। उसके बाद पता भी नहीं चला कि कब उसने सांसें छोड़ दी और हमें वो डेड मिला। बहुत दुख की बात है, लेकिन
मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए ये बहुत ही सुख और संतुष्टि की बात है कि बहुत ही आराम से उसने अपनी सांसें छोड़ दी। बहुत दर्द हुआ हम लोगों को, बहुत रोना आया, लेकिन सिर्फ एक यही संतुष्टि थी। एफर्मेशन वाले खाने में और पानी में सच में बहुत ताकत होती है। अगर हम अपने पेट को देते हैं तो भी हमें ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि वो हील हो रहा है। मेरा बॉस को हील हो करके यहाँ से गया है और बहुत संतुष्टि से गया है। इस बात की संतुष्टि मुझे और मेरी मम्मी को तहे दिल से है। मैं और मेरी मम्मी आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपको मैं कितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम होगा, क्योंकि जो संतुष्टि हम अभी महसूस करते हैं वो शायद हम महसूस नहीं कर पाते। मैंने बचपन से बॉस्को को अपने साथ खेलते कूदते देखा है और वो इस तरह से दर्द में मर रहा था। वो दर्द को अफर्मेशन वाले खाने और पानी ने दूर किया है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सारा अफर्मेशन वाला खाना और पानी, थैंक यू बॉस को हमें इतनी प्यारी जिंदगी में इतने प्यारे दिन देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी जो बॉस्को की सक्सेस स्टोरी थी वो सच में बहुत अच्छी थी। मुझे पता है डॉग का दर्द क्या होता है। वो हमारे घर में बच्चा बन के रहता है। मेरे भी डॉग के साथ जब ऐसा हुआ था तो बहुत पेनफुल टाइम होता है, वो बहुत पेनफुल टाइम होता है। मुझे पता है जिनके भी घर में पेट होंगे ना उन्हें पता होगा कि बहुत दर्द होता है जब ऐसा होता है, क्योंकि वो घर का एक मेम्बर ही हो जाता है ना हमारा। ये बड़ी मजबूती वाली बात है कि हम ये समझ जाते हैं कि ये होने वाला है, लेकिन लेकिन इन्होंने वो जो उसका लास्ट टाइम का दर्द था, क्योंकि ऐसा होता है कि जो डॉग्स होते हैं और जो जानवर होते हैं वो बड़ा पेन में होते हैं ना, बहुत आवाज़ें भी निकालते हैं, तो वो आवाज़ों से परिवार को कितना दर्द हो रहा होता है। आपकी पूरी फैमिली को नतमस्तक, थैंक यू कि आपने एक जीव के लिए इस तरह से खाना और पानी अफर्म किया कि उसका जो लास्ट टाइम का पेन था वो पेन में उसको रिलीफ मिला। सीरियसली ये बहुत इमोशनल और बड़ी गहराई वाली सक्सेस स्टोरी है। उसने शरीर छोड़ दिया, ठीक है, उसका समय था शरीर छोड़ने का, उसने शरीर छोड़ा, उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन आपने उसके लिए कितनी शांति इकट्ठा की, उसको कितनी शांति दी। वो डॉग भी ब्लेस्ड था कि आप जैसी फैमिली में था। बहुत अच्छी लगी यार मुझे आपकी कहानी, बहुत अच्छी। इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो तो एक्सपायर हो गया, इसमें क्या सक्सेस स्टोरी। वो आराम से गया, जाना तो एक दिन सबको है, पर आप कभी जानवर को देखें कुछ ऐसे सड़कों पर कैसे मर जाते हैं, कुछ कैसे मर जाते हैं। वो घर में अपने परिवार के बीच में ना तो खुद दर्द में ना दूसरों को दर्द दे करके गया। जाना तो तय है, पर इस तरह से इतने प्यार भरी फैमिली के बीच में, इतनी अच्छी अच्छी प्योर एनर्जीज के बीच में वो एनर्जी गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है। क्योंकि एनर्जी कहीं नहीं जाती, हम सब हैं, अभी भी है। वो बॉस्को कहीं नहीं गया, वो अभी भी है। आत्माएं कहीं नहीं जाती, सब यहीं एग्जिस्ट करता है, तो वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। वो बॉस्को अभी भी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उसका नाम यहाँ रखा गया, बॉडी उसे यहाँ पर मिली, लेकिन कितनी ब्यूटीफुल केयरिंग सपोर्टिव फैमिली उसे मिली। आई एम रियली वेरी हैप्पी यार, थैंक यू सो मच ये सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर करने के लिए, थैंक यू। बॉस्को जहाँ है जैसा है, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।